हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। अगर आप नियमित रूप से जिम जा रहे हैं और सही तरह से वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे तो आप जरूर कुछ गलती कर रहे हैं। हम सभी में ऐसी कुछ बुरी आदतें हैं जो न केवल हमारे फिटनेस गोल्स को प्रभावित करती हैं बल्कि हमें फिट रहने से रोकती हैं। क्या आप वर्कआउट के बाद अधिकतर समय ऊर्जाहीन महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वर्कआउट करते वक्त कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपकी बुरी आदतें आपकी फिटनेस रूटीन को खराब कर सकती हैं जिससे आपको वर्कआउट के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। आइए जानते हैं कुछ बुरी आदतों के बारे में जो आपके फिटनेस रूटीन को खराब करती हैं। अधिकांश लोग खाली पेट पर वर्कआउट करते हैं। आपको खाली पेट या बहुत अधिक भरे पेट पर कभी भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जिम जाने से पहले कुछ हल्का फुल्का खा लें, इससे आपको वर्कआउट में एनर्जी मिलेगी। हर रोज एक ही वर्कआउट करने से आप न केवल ऊब जाते हैं बल्कि हमारा शरीर भी इसका आदि हो जाता है। रोजाना एक जैसा अभ्यास करने से हम मांसपेशियों को विकसित नहीं कर पाते और वजन कम नहीं कर पाते, इसलिए आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए दिनों को निर्धारित करना चाहिए। इससे आप पूरे शरीर का वर्कआउट कर पाएंगे। आप हर 15 दिन में वर्कआउट को बदल सकते हैं। स्ट्रेचिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। यदि आप शरीर के सभी मांसपेशियों को सक्रिय रखना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। वर्कआउट से पहले आपकी मसल्स को वार्म अप की जरूरत होती है। वार्म अप करने के लिए स्ट्रेचिंग करना सबसे बेहतर विकल्प है। ये कुछ बुरी आदतें हैं जो आपकी फिटनेस और वर्कआउट रूटीन को खराब करती हैं। अपने वर्कआउट को असरदार बनाने के लिए इन बुरी आदतों से बचना चाहिए। आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।